13.7 रोग के कारक, डिसीज एंड इट्स कॉज। आपको पता है कि रोग के कई कारण हो सकते हैं। इन्हें हम पहला तात्कालिक कारण, दूसरा सहायक कारण के अंतर्गत समझ सकते हैं। यदि किसी इलाके में कोई छोटा बच्चा पतले दस्त से ग्रस्त है तो हम कह सकते हैं कि इसका कारण दूषित जल में उपस्थित विषाणु हो सकते हैं। इस स्थिति में रोग का तात्कालिक कारण विषाणु होगा, लेकिन इलाके के अन्य बच्चों ने भी वही दूषित जल पिया है, तब इसका कारण क्या है कि एक बच्चे को ही दस्त लगे और दूसरे को नहीं? इसका कारण यह हो सकता है कि उस बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता कम हो। परिणाम स्वरूप बच्चा विषाणु के संपर्क में आता है तो वह पतले दस्त से ग्रस्त हो जाता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता कम क्यों है? शायद बच्चे को पर्याप्त भोजन न मिल पा रहा हो, जिससे उसके शरीर में पोषक अवयवों का अभाव हो गया। यह भी संभव है कि उस बच्चे में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों में विभिन्नता हो, तब वह बच्चा विषाणु के संपर्क में आने पर पतले दस्त से ग्रसित हो जाता है। इस स्थिति में विभिन्नता या पोषक अवयवों का अभाव भी बिना विषाणु के दस्त उत्पन्न नहीं करते, लेकिन वे रोग के सहायक कारण बनते हैं। बच्चे को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हुआ है, इसके पीछे अन्य कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि जहां उस बच्चे का परिवार रहता है, साफ सफाई की कमी के कारण वहां का जल प्रदूषित हो गया हो। क्या आपको या आपके परिवार के सदस्यों को कभी दस्त हुए हैं? दस्त होने का कारण क्या था, सूची बनाएं। इन स्थितियों में तात्कालिक एवं सहायक कारणों को अलग अलग करें।